हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चलिए नायरा कट कुर्ती काटते हैं। ये फुल नायरा कट कुर्ती है। ये मैंने कपड़ा ले लिया है। मेरी कपड़े पे जो कढ़ाई है इसको हम कोटी पे ले लेंगे, इसलिए सबसे पहले हम कोटी ही काटेंगे। ये मैंने कपड़े को उतना ही फोल्ड किया है जितना कि कढ़ाई है। बाकी कपड़ा मैंने साइड में निकाल दिया है। कढ़ाई के जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट के निकाल लूंगी। ये मैंने मुड्ढे का निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं अपने कोटी का मेजरमेंट लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लगा सकते हैं। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई वाली कोटी को काट करके अलग कर लिया है। अब मैं इसका बैक पीस निकाल लेती हूँ। जो इसी साइड से कपड़ा बचा है मैंने उसको ही फोल्ड किया है। मैं उसी पीस को रख करके दूसरा पीस भी निकाल लूँगी। ये मैंने दोनों पीसों को निकाल लिया है। चलिए हम अब इसकी बाजू निकाल लेते हैं। पहले हमने कपड़े को काट करके इकसार कर लिया है। ये हमने 17 इंच की बाजू की लंबाई लगा ली है और इसका मुड्ढा भी लगा लिया है। हमने यहाँ पर कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को काट करके निकाल दिया है। अपनी बाजू कट कर ली है। ये मैंने बाजू को भी कटिंग कर दिया है। अब हम इसका नीचे का घेर कर लेते हैं। मैं कोटी से डबल कर कपड़ा कर करके ले लूँगी। जितनी मेरी कोटी की फिटिंग है उससे डबल कपड़े को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मैंने दोनों पीस निकाल लिए हैं। यहाँ पर ये मैंने नीचे का घेर निकाल लिया है। ये यहाँ पर मैं कोटी को रख करके आपको दिखाती हूँ। अब जो मेरा यहाँ पर कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम एक पैंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 10 इंच का निशान लगाया है। ये 2 इंच छोड़ के मैंने आसन लगा दिया है। अब मैं इसको मिला देती हूँ। नीचे मैंने मोहरी का निशान लगा लिया है। ये मैंने अपने ट्राउजर के निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैंने फ्रंट पीस कट कर लिया है। अब इसे को रख करके मैं बैक पीस भी कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसका बैक पीस भी कट कर लिया है। चलिए हम अब कोटी में गला बना लेते हैं। ये मैं यहाँ पर बिना अस्तर का गला बना रही हूँ। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, मैं सारे गले बिना बुकरम के ही बनाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बुकरम का यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने कपड़े पर ही गला काटा है और उसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको कोटी पर रख करके अटैच कर देती हूँ। यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा लूंगी। यहाँ पर मैं इसमें छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैं सिलाई मार देती हूँ। मैं गले की तरफ सिलाई मार रही हूँ।
अब मैं इसको पूरा फोल्ड कर लूँगी। मेरा गला ऐसा ही बन के तैयार हो जाएगा जैसे कि बुकरम पे बनाते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से। इसी तरीके से मैं बैक पीस भी तैयार कर लूँगी। ये मैंने कोटी को रेडी कर लिया है। ये मैंने इसके मुड्ढे भी जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं इसमें बाजू अटैच कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें बाजू लगानी स्टार्ट कर दी है। इसी तरीके से मैं दोनों बाजू लगा लूंगी। मैं खुली बाजू ही लगाती हूँ, आप चाहे तो गोल भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें जो इसका नीचे वाला हिस्सा है मैं उसमें चुनट बनना स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैंने 8 इंची कपड़ा छोड़ दिया है साइड में। मैं यहाँ पर 4 या 5 चुनट भर लूँगी और 4-5 में दूसरी साइड से इस तरफ को भर लेती हूँ। यहाँ पर भी मैंने उतना ही कपड़ा छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर 1 चुनट और डाल देती हूँ। ये मैंने अब मैं इसको कोटी पर रख करके जॉइंट कर दूंगी। इसी तरीके से मैं बैक पीस भी जॉइंट कर लूंगी। ये देखिए मैंने कोटी पे जॉइंट कर लिया है और मैंने कोटी पे एक लेस भी लगा ली है। अब मैं इसकी फिटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये मेरा नायरा कट बन के तैयार हो जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैं इसकी फिटिंग कर लेती हूँ। अब हम इसको पहन के ट्राई करते हैं। चलिए हम इसको पहन के ट्राई करते हैं कैसा लगा मेरा नायरा कट। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।